हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल दी इंजिलेटर। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14th मार्च 2019 आईएलटीएस एग्जाम के ऊपर। मीन जो आज का एग्जाम रहा वो ओवरऑल कैसा रहा, रीडिंग लिसनिंग इस बार कैसी आई और राइटिंग के क्या टॉपिक थे, तो वही इस वीडियो में हम सारी बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं लिसनिंग की ओर। तो गाइस, जो इस बार लिसनिंग के क्वेश्चन थे वो इस तरह के थे। फर्स्ट 10 क्वेश्चन वॉज ब्लैंक्स एंड 11 से लेकर 15 तक मैच द इंफॉर्मेशन एंड 16 से 20 तक आपको आइदर ऑर्डर में सेंटेंस दिए गए थे, आपको चूज करने थे राइट आंसर। एंड 21 से लेके 25 तक एमसीक्यू एंड 26 से लेके 30 तक मैच दी इन्फॉर्मेशन एंड 31 से लेके 40 तक ब्लैंक्स। गई ये थोड़े बहुत ऑर्डर चेंज हो सकते हैं क्वेश्चन के, बिकॉज गई एज एन इंजिलेटर हमें बहुत ज़्यादा काम होते हैं तो क्वेश्चन याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आप थोड़े बहुत क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ऐसा ही था। लेकिन अगर हम ओवरऑल लिसनिंग की बात करें तो गई लिसनिंग बहुत ईजी आई थी, और मैंने आपको पहले भी कहा था लिसनिंग इजी आने के चांसेस है, लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है। और इसी कारण जो एक सेक्शन था राउंड आई थिंक सेक्शन 3 जो थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन ओवरऑल लिसनिंग गाइस बहुत इजी थी जैसी हमने कही थी। तो गाइस, हम बात करते हैं अब रीडिंग की ओर। तो गाइस, जिन जिन लोगों ने आज प्लीज आईएलटीएस का एग्ज़ाम दिया, तो प्लीज़ वो रीडिंग के पैसेज के नेम ज़रूर शेयर करना, बिकॉज रीडिंग के पैसेज के नेम कई बार याद करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो प्लीज़ गाइस, जिन जिन ने एग्ज़ाम दिया है वो कमेंट बॉक्स में अपने रीडिंग के पैसेज के नेम ज़रूर शेयर करना। तो गाइस, जो रीडिंग के क्वेश्चन थे वो इस तरह थे। फर्स्ट 5 क्वेश्चन वाज ट्रू फॉल्स एंड 6 से लेके 30 तक हेडिंग्स। तो गाइस, ये भी क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन इसी तरह थे, लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न ऊपर नीचे हो सकता है। तो क्वेश्चन यही थे। पैसेज 2 में गाइस ब्लैंक्स थे और नेम ऑफ पर्सन मीन साइंटिस्ट सम पर्सन के नेम थे जो आपको मैच करने थे। और जो पैसेज 3 था उसमें एमसीक्यू और यस नो आए थे और मैच दी इंफॉर्मेशन भी आई थी। मींस गाइस, जो फर्स्ट पैसेज था वो बहुत इजी था एंड सेकंड पैसेज वाज आल्सो इजी, लेकिन थर्ड पैसेज था जो थोड़ा सा डिफिकल्ट था एंड सेकंड पैसेज भी मॉडरेट था एंड ओवरऑल रीडिंग वाज मॉडरेट, जैसी मैंने आपको कही थी कि थोड़ी सी ट्रिकी आ सकती है, इसलिए जो थर्ड पैसेज था वो गाइस वो थोड़ा सा ट्रिकी था। लेकिन ओवरऑल जो रीडिंग थी एक मॉडरेट रीडिंग थी जो इजीली हो पा रही थी। तो गाइस, लिसनिंग वाज इजी एंड रीडिंग वाज मॉडरेट। तो गाइस, जैसी हमने रीडिंग और लिसनिंग आपको बताई थी तो ओवरऑल वैसी ही थी। और आप बात करते हैं गाइस राइटिंग की ओर। तो गाइस, जो राइटिंग का टास्क 1 इस बार आया था वो बार एंड टेबल मिक्स आया था। यस गाइस, जो राइटिंग का टास्क 1 था वो बार और टेबल आया था इस बार, जो दोनों इकट्ठे आए थे आपको सॉल्व करने थे। और गाइस, मैंने आपको बार और टेबल एज ए दूसरे व्यू में करने के लिए कहा था, लेकिन इसमें गाइज इस बार हमारी जो प्रिडिक्शन थी वो टास्क 1 के लिए पूरी तरह से करेक्ट नहीं रही। और मैं हमेशा सच बोलता हूँ और इसीलिए मैं कहना चाहूँगा यस आई अपोलोजाइज फॉर दैट। टास्क 1 के लिए गाइज हमारी जो प्रिडिक्शन थी इस बार थोड़ी सी गलत हुई, लेकिन गाइज आपको पता है हमारी जो प्रिडिक्शन होती है हमेशा सही और ऐसे पूरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग होती है, मेरे पूरे एक्सपीरियंस से होती है। लेकिन इस बार टास्क 1 पूरा सही नहीं बैठा। लेकिन गाइस, जो टास्क 2 था मैंने कहा था आपको एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक आएगा, तो वही आया था जो था सम साइंटिस्ट बिलीव दैट पीपल शुड यूज लेस एनर्जी इन देयर डेली लाइव्स बट पीपल डू नॉट गिव मच अटेंशन, व्हाट आर द रीजंस एंड हाउ दे कैन सजेस्ट देम। तो ये रीजन एंड सॉल्यूशन ऐसे था कि साइंटिस्ट कह रहे हैं आज जो पीपल को लेस एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, लाइक एनर्जी पेट्रोलियम हो गया, कुछ भी वगैरह एनर्जी हो जाए जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है, तो वो रेकमेंड कर रही है कि हमें कम यूज़ करनी चाहिए। तो उसके क्या कारण हैं और उन्हें सजेस्ट करना चाहिए वो कैसे कर सकते हैं। तो ये था हमारा टास्क 2 गाइज। टास्क 1 बार एंड टेबल एंड गाइज ओवरऑल राइटिंग वॉज ऑल्सो वेरी ईजी। तो ओवरऑल एग्जाम गाइज लिसनिंग वॉज ईजी, रीडिंग वॉज मॉडरेट एंड टास्क 1 वॉज बार एंड टेबल एंड टास्क 2 वॉज सम साइंटिस्ट बिलीव दैट। तो गाइज इन्वायरमेंट रिलेटेड टॉपिक था। ओवरऑल एग्जाम गाइज जैसा हमने कहा वैसा ही आया था। हमारी 80% प्रडिक्शन गाइज बिल्कुल सही थी। और गाइज जो 23rd को एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिडिक्शन आपको कल सुबह मिल जाएगी। फॉर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल दी इंजिलेटर एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, बिकॉज वेन एवर वी अपलोड न्यू वीडियो यू विल गेट दी नोटिफिकेशन। तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल दी इंजिलेटर एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। तो गाइज ओवरऑल एग्जाम लिसनिंग वॉज ईजी, रीडिंग वॉज मॉडरेट एंड राइटिंग वॉज ऑल्सो ईजी, टास्क 1 वॉज बार एंड टेबल एंड टास्क 2 वॉज रिलेटेड टू सम इन्वायरमेंट रिलेटेड टॉपिक।
तो गाइस ये था हमारा 14th मार्च 2019 आईएलएस एग्ज़ाम। और अगर गाइस कोई और भी इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है तो आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसके लिए सब्सक्राइब करो इस चैनल को, बिकॉज जो भी आईएलएस के रिलेटेड आपको ज़रूरत हो इन्फॉर्मेशन वो इस चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड कर दी जाती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड गाइस 23rd के लिए प्रेडिक्शन आने वाली है, वो एकदम जेन्युइन प्रेडिक्शन होगी, पूरी की पूरी प्रेडिक्शन एक जेन्युइन प्रेडिक्शन और सही प्रेडिक्शन होगी। फॉर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आई एम क्वाइट श्योर अबाउट दैट, एंड वो आपको कल सुबह मिल जाएगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड वॉचिंग दिस वीडियो।